उत्तम राम निशा जी का भी स्वागत करें आप सभी बच्चा इसको नीचे कर देश है कार्यक्रम का उसके बारे में कुछ जानना है। मैं कबीर नगर सांसद हूँ 62 नंबर। ये हमारे समाज का कार्यक्रम है, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज को जो पिछड़ा हुआ है उसको कैसे ऐसा भाषा मिले उसी को लेकर के ये मछुआ समुदाय निशा समाज का मीटिंग किया। मीटिंग में कौन कौन लोग आए, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के अगुआ हैं, उन्हीं लोगों की मीटिंग बुलाई गई है। पूरे प्रदेश से हर जिलों से लोग आए। मीटिंग का खास उद्देश्य क्या है? आया ना कि समाज में जो कुरीतियाँ है, शिक्षा और राजनीति में हमको हिस्सेदारी, शिक्षा सारी चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया है। समाज के लोगों के मंथन विचार किया गया। समाज के लिए क्या संदेश देंगे आप? समाज हमारा आगे बढ़े, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करावे और राजनीति में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सारे जितने भी चुनाव होते हैं उसमें कम से कम हिस्सेदारी अपनी बनाए रखें। का सम्मान किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, उत्साहवर्धन किया सभी नेताओं ने। हमारे माननीय सांसद जी हैं, सांसद जी हैं लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, राम कुमार जी पूर्व विधायक, पूर्व विधायक कुमार अध्यक्ष जी, आज के अध्यक्ष डॉक्टर लालता प्रसाद जी और पूनी साहद जी, सांसद जी और मौजूदा MLC, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे उत्साह बढ़ाएं उनका और वो आगे अच्छी तरह से पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों पर जाए, अच्छे अच्छे नौकरी पाए और अच्छे नेता भी बने। और उनके साथ साथ ही आज हमारे सभी ठाकुर जी निषाद जी, राम जीत निषाद जी गोंडा, पूर्वांचल के सभी साथियों ने मिलकर के जो नवनिर्वाचित हमारे सांसद हैं पप्पू निषाद जी, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, राम भोपाल जी किसी कारण से आ नहीं पाए, वो कहीं व्यस्त है, अजयन भी नहीं आ पाए, तो कार्यक्रम उनका कोई लगा है वो हम मौजूदा MLC, तो सबका हमारा भी स्वागत समारोह समाज के सभी पूर्वांचल के भाइयों ने किया। इसके लिए सबको हम बधाई देते हैं और हम तय करते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए और कोई पीड़ा होगी तो उसको विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा में उठाने में हमको कोई गुरेज नहीं होगा। हम तत्परता से उठाते हैं, उठाते रहें, आगे भी एक भी दिन विधान परिषद में सोने का काम नहीं करेंगे। अपनी जन समस्याओं को लेकर के, प्रदेश की, देश की और अपने समाज की सारी समस्याओं को लेकर के पटल पर रखते रहेंगे, विधान परिषद में उठाते रहेंगे, ये हमारा दावा है। अभी मंच से आवाज आई थी जी कि अनुसूचित जाति में शामिल करने की आप लोगों की मांग काफी दिनों से लंबित है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पर क्या चल रहा है? हाँ, उस पर एक सेकंड, हम लोग नेताजी जब प्रधान मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, 2005 से लेकर अब तक बराबर संघर्ष में आदरणीय विश्वम्भर प्रसाद निषाद जी, राम कुमार जी, लालता प्रसाद जी, पप्पू निषाद जी और घर में अब तो नहीं है राम भोपाल जी, सभी लोग मिलकर हम भी सबसे पहले 3 बार प्रस्ताव हमारी सरकार ने भेजा, भारत सरकार, लेकिन उन्होंने आपत्ति लगा करके वापस कर दिया। मुलायम सिंह जी ने ग्रेजुएशन पास कर करके लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में, 2.5-3 महीने तक सर्टिफिकेट बने अनुसूचित जनजाति के, लेकिन कोर्ट चले गए कुछ लोग। उसके बाद 2 बार अखिलेश जी की सरकार ने भेजा, आपत्ति लगा करके वापस कर दिया और भारत सरकार ने, राम कुमार जी ने हमने सामने पैरवी की, तो भारत सरकार ने 3 बार मांग चुकी है योगी सरकार से, लेकिन ये उसका जवाब नहीं भेज रहे यहाँ से। आगे क्या रहेगा? आगे संघर्ष होगा, इस पर सब मिलकर के लड़ेंगे, ये समाज की प्रमुख मांग है हमारी। जब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो हमारे समाज का विकास रुका हुआ। सत्ता पक्ष में और विपक्ष में कसर निषाद समाज के लोगों के MLC, विधायक, सांसद सभी हैं, तो क्या सारे लोग मिलकर के इस मांग को नहीं उठा रहे कि सरकार को इस मांग को मनवा लिया जाए? सत्ता पक्ष का तो नहीं पता, वे सत्ता में आए इसीलिए कि हम लोगों को आरक्षण 2 मिनट में दिलवा देंगे, लोगों ने मान लिया और वो चुने भी गए। हमने विधान परिषद में कहा
कि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप मछुआ के मंत्री भी हैं, मगर सभापति जी मैं पूछना चाहूँ प्रदेश में कितने मछुआ आवास बनवाए और किन किन जिलों में बनवाए जरा बताएं। हमारी मांग है कि हर जिले में कम से कम 200 मछुआ आवास बने कि ताकि प्रदेश भर में वो एक बात का जवाब नहीं दे पाए वो क्या उद्धार करेंगे, वहाँ बोलते बंद है सत्ता पक्ष वालों को, नौकरी से हट जाएंगे कल ही। अभी सत्ता पक्ष से एक और भी मैटर आया है कि माननीय संजय निषाद जी ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें मछुआरों की समितियां बन रही हैं जी, उस समितियों में 3 अदर कास्ट को कंपलसरी किया गया है और बाकी जो कैटेगरी रखी गई है उसमें सामान्य वर्गों को भी समिति में शामिल किया जाएगा, इस पर क्या कहना है? वो आज से नहीं, वो सीताराम निषाद और लालता प्रसाद के जमाने से पहले भी बनता था और इनको बताएंगे ज्यादा था। आज से थोड़ी नहीं रखा जाता, पहले से रखा जाता। आज जो समितियां आज समाज को क्या संदेश देना चाहिए? आप हमारी बात पूरी बात, आज जो समितियां बनाने का कार्य चल रहा है, जमाने में जब सपा हमारी पार्टी नहीं पार्टियां नहीं थी तब ये प्रसंग आया था। अब मुझे एक अधिकार सुनाने की सरकार ने दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के मछुआ समुदाय का सर्टिफिकेट जब चौधरी साहब निषाद दे देंगे वो मान्य हो जाएगा विभाग में और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इतनी समितियां बनी है कि समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है ब्लॉक स्तर। अब यह कि उन समितियों के पास जो थोड़ा सा अधिकार था उसे छीनते जा रहे हैं, अलग से बना रहे हैं, ये पॉलिसी है कि इनके इनका जो हक हकूकत है दूसरे को जब उसमें डालेंगे। आपको याद होगा विशंबर मायावती जी ने उस कमिटी के मंडल जो होता बनता है उसमें एक अनुसूचित जाति का डाल दिया था। उनका उद्देश्य ये है इस सरकार का कि इसमें दूसरे वर्ग के लोगों को डालेंगे, फिर हम हर समितियों का जो मंडल है उसको हम भंग करेंगे और जिनको हम अलग से डाले हैं उनको उसका लाभ देंगे, उनको बना देंगे मालिक उसका। अल्लाह नाम से पाते हैं बंगाल में जालो मालो जालिया जल के वट के वर्ष मल्ला पिंचाई नाम से पाते हैं, हमारी क्षेत्रीयता समाप्त हो या मझवार की परिभाषा को मझवार को परिभाषित किया जाए। जैसे चमार भाई जो है सेंसर रिपोर्ट के 24 नंबर पर उनका नाम है और उनकी 17 जातियों 18 जातियों को परिभाषित करके भी समन्वय दिया जाता है, वो क्या नाम है अनुसूचित जाति शब्द, उसी हमारे मझवार शब्द को जो है परिभाषित करने हमको मिलने लगा। एक मिनट शायद मझवार के सिनम्स और जेनरिक नेम्स भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने परिभाषित किया हुआ है और अगर उन परिभाषित शब्दों को संविधान की अनुसूची में मझवार के साथ रख दें तो ये आरक्षण की पूरी मांग उत्तर प्रदेश की पूरी हो जाएगी। और यही मेरी मांग, हम सब लोगों की यही मांग है कि जब गृह मंत्रालय ने उनको परिभाषित कर दिया है तो आज की तारीख में संविधान की अनुसूची में उनको मझवार के साथ क्यों नहीं रखना चाहिए, ये प्रमुख मांग है। थैंक यू।